नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो हमारा YouTube चैनल जितेंद्र मशीनरी कंपनी और मैं हूं आपका होस्ट मनमीत सिंह। दोस्तों, आप हमारे चैनल में नए नए बिजनेस आइडियाज़ देखते रहते हैं और हम आपके लिए रोज़ाना नए नए बिजनेस आइडियाज़ लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आज जो हम आपके लिए बिज़नेस आइडिया लेके आए हैं ये पैकेजिंग के रिलेटेड है, जिसमें आपका खाने के आइटम्स पैक किए जाते हैं या आप कह सकते हो जितना भी केक पेस्ट्री सभी का जो आइटम्स है उन सभी को इस पे रख के आगे मार्केट में सेल किया जाता है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि क्या इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, क्या इसमें प्रॉफिट मार्जिन होता है और कैसे आप इसका सेलिंग कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही यूनिक आइटम है, जब आप वीडियो में आगे देखोगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें बहुत ही कम कॉम्पिटिशन है और आप कहीं भी इस बिज़नेस को शुरू करके आसानी से काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। तो बने रही वीडियो के साथ, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि नए नए बिजनेस आइडियाज़ हम लाते रहते हैं आपके लिए, जिससे आपको कोई भी रोज़गार मिल सकता है। तो बने रहे वीडियो के साथ और चलते हैं आगे। तो दोस्तों, आज जो हम जिस बिज़नेस के बारे में बात करेंगे ये है केक बेस मेकिंग मशीन के बारे में। जो आप मार्केट में देखते हो, हम कोई भी केक वगैरह लेते हैं तो उसके नीचे ऐसे राउंड कलर का या स्क्वायर शेप का ऐसे का बेस पड़ा होता है जिसके ऊपर केक रखा होता है, जिसको हम पकड़ के केक को पकड़ते हैं। तो आज हम जानेंगे इस केक बेस को तैयार करने का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कैसे ये केक बेस तैयार होता है, क्या इसमें प्रॉफिट मार्जिन होता है और इसमें क्या लागत आता है मशीनरी का। तो ये केक बेस आप मार्केट में देख सकते हो, ये दो तरह का मटेरियल के तैयार होते हैं। एक होता है आपका एमडीएफ बोर्ड का, ये एमडीएफ बोर्ड का भी तैयार हुआ है, और एक होता है आपका कैरोगेटेड बॉक्स का, जो आपका हार्ड कैरोगेटेड बॉक्स होता है उसका तैयार होता है। तो दो रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं, एमडीएफ बोर्ड हार्ड होता है थोड़ा सा, कैरोगेटेड जो होता है वो थोड़ा सा आपका समझ सकते हो कि जो हमने छोटे केक्स को जो पैक करना होता है वहाँ पे हम वो यूज़ करते हैं। तो इन दोनों रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके हम केक बेस को तैयार कर सकते हैं। उसके बाद हमें रिक्वायर्ड होता है ऊपर वाला लेमिनेशन पेपर, ये जो ऊपर गोल्डन कलर का लेमिनेशन हुआ है, कई इसमें सिल्वर कलर का करते हैं, कई इसमें ब्लैक कलर का करते हैं, कोई भी कलर का आप करना चाहो। तो उसके बाद आपका लेमिनेशन होता है अलग अलग कलर्स की, जैसे आप देख सकते हो मेरे पास दो सैम्पल्स हैं अभी, अलग अलग कलर्स का इसमें आपका लेमिनेशन यूज़ होता है। तो ये आपका यूज़ करके इसको आप तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसका क्या रॉ मटेरियल है और कैसे हम इसको परचेज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें दो रॉ मटेरियल चाहिए, एक आपका बोर्ड चाहिए और एक ऊपर वाला लेमिनेशन फिल्म चाहिए। जो बोर्ड होता है उसमें आगे आती है, दो तरह का बोर्ड आता है, एक एमडीएफ आता है और एक आता है आपका क्राफ्ट पेपर का हार्ड रिजिड, जो हम ज़्यादा जीएसएम का कहते हैं वो वाला बोर्ड आता है। तो जो हमारा क्राफ्ट पेपर का रॉ मटेरियल है वो तकरीबन आपको 35 से 40 रुपये पर केजी के आसपास मिल जाता है। वहीं हम एमडीएफ की बात करें तो ये आपको शीट मिलती है बड़ी, जो आपको मतलब स्क्वेयर फिट के हिसाब से मिलती है, और ये जो शीट है आपको मान के चलो 5 रुपये से लेके 20 रुपये पर स्क्वेयर फिट के आसपास मिल जाती है। जितने भी एमएम की आपने शीट लेनी हो उसी के अकॉर्डिंग आपको उसके रेट मिल जाते हैं। तो इसको जैसे ये अभी मेरे पास सैंपल है, ये है आपका 10 इंच का, मतलब 10 इंच का है, तो आपको एक जो होती है एक स्क्वेयर फिट जो मिलता है वो 5 रुपये से लेके 20 रुपये तक का कॉस्टिंग आता है रॉ मटेरियल का। और इसमें जो आपको ये देख सकते हो, ये आपका 10 इंची का रोल है, ये आपका है 12 इंची का रोल, ये 12 इंची का बड़ा है आपका। उसके बाद ये भी आपका है 10 इंची का, मतलब 10 इंची का ये स्क्वेयर में आ गया, अभी वो हमने राउंड में देखे थे, ये अभी सारा स्क्वेयर में है। और ये फिर आपका आ जाता है 12 इंची में, मतलब जैसे का भी आपको रॉ मटेरियल चाहिए हो वैसे का आप शीट ले सकते हो। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल में हमारे पास आती है, इसमें एमडीएफ बोर्ड की शीट आएगी, और वहीं हम कैरोगेटेड का देखें उसमें हमारे पास रोल मिलेगा। तो इसकी जो एमडीएफ की शीट आएगी इसको हमने कटिंग करना है डाई पंचिंग मशीन के ऊपर, जिसको हम प्लेटन पंचिंग मशीन भी कहते हैं, उसका वीडियो मैं आगे आपको वीडियो में दिखा दूंगा। तो उसका आपको ये शीट आपने उसमें रखती हैं, उसमें डाइस लगा होता है, जितने जितने आप डाई लगाओगे, जैसे एक मशीन के अंदर दो आपने पीसेस एक वन टाइम कट करने हैं तो दो पीसेस का डाई लगा होगा, आपने उस शीट को ये जो रॉ मटेरियल है उसको इसके अंदर रखना है और उसने ऑटोमेटिकली पंच करके उतनी शीट में कट कर देना है। कट करने के बाद दूसरा काम आता है आपका लेमिनेशन का, ऊपर जो ये सारी जो फिल्म चढ़ी हुई है
ये आप देख सकते हो गोल्डन कलर की सारी फिल्म चढ़ी हुई है। ये फिल्म को हम कहते हैं लैमिनेशन। इसके लिए हमें चाहिए इसके ऊपर लैमिनेशन मशीन, जिसको हम फिल्म लैमिनेशन कहते हैं या शीट फैट लैमिनेशन मशीन कहते हैं। तो ये दो आपको मशीन चाहिए केक बेस तैयार करने के लिए, जिसको आप अपने कहीं भी घर से कहीं भी स्टार्ट कर सकते हो। और इसको जो दो मशीनों की जो कॉस्टिंग है, अगर हम अकेले केक बेस तक के इसको लिमिटेड रखें तो आपका मान के चलो 7 से 8 लाख तक की मशीनें आएंगी, जिसमें आपका एक आएगा डाई पंचिंग मशीन और एक आएगा आपका लैमिनेशन मशीन। इन दोनों मशीनों को यूज़ करके आप इसमें आके केक बेस तैयार कर सकते हो। और दूसरी चीज़, अगर आप इसका बॉक्स भी तैयार करना चाहते हो, कॉरोगेटेड का जो ऊपर वाला डब्बा होता है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो, ये आपका पैकिंग का बॉक्स है जिसमें आपका केक पेस्ट्री वगैरह सारा पैक होता है। जो हम मार्केट में देखते हैं वो सारी ऐसे शीट्स ही जाती है, तो इन शीट्स को जो आपका आगे होता है वो फोल्ड करके आपको मार्केट में सप्लाई करता है। ऐसे जो भी आप इसको फोल्ड करके तैयार करोगे तो डब्बा आपको तैयार करके उधर देते हैं, तो मार्केट में ये सारी शीट्स जाते हैं। तो अगर आप डाई पंचिंग मशीन लेते हो तो उसमें आपका ये बॉक्स भी तैयार हो जाता है जो ऊपर वाला पैकिंग वाला होता है। तो आपका एक ही मशीन में दोनों काम तैयार हो जाते हैं, एक केक बेस का काम तैयार हो जाता है और एक आपका जो पैकिंग वाला बॉक्स है वो भी तैयार हो जाता है। तो ये मल्टीपर्पस मशीन होती है डाई पंचिंग और लैमिनेशन। इसमें आप अलग अलग काम एक ही मशीनों में कर सकते हो जैसे कि आपको रिक्वायरमेंट हो। तो चलो देख लेते हैं इसका वीडियो कैसे है, क्या इसका वर्किंग प्रोसेस है। लैमिनेशन होता है, तो अभी आपको बता दें कि इसका सेलिंग कैसे होता है। तो सेलिंग जितने भी आपके सिटी में जितने भी बेकरी शॉप्स हैं, जितने भी आपके आपका जो होलसेल के शॉप्स हैं, मिठाई की दुकानें हैं, वहाँ पे आपकी सारी इसकी मार्केटिंग होगी और वहीं को आपने उन्हीं को आपने डायरेक्ट टारगेट करके वहीं पर आपकी सेलिंग करनी है। तो इसमें आपका जो पर पीस के पीछे प्रॉफिट है 1 to 1.5 rupees मिनिमम रहता है छोटे आपका केक बेस के नीचे। जितना बड़ा होता जाएगा उतने प्रॉफिट आपका 3 to 4 rupees तक जाते हैं। तो ये आपका बहुत ही मतलब प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इसमें कंपटीशन काफ़ी कम है और आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं और आप अपने सिटी में भी इसको यूज़ करके आपका काफ़ी अच्छा मार्केट को टारगेट करके काफ़ी प्रॉफिट कमा सकते हो। तो इतना ही था आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें, और अगर ज़्यादा अच्छी लगी हो तो हमें नीचे आप सुपर थैंक्स भी कर सकते हो, जिससे हमें और मोटिवेशन मिलेगी और हम आपके लिए नए नए बिजनेस आइडियाज़ लाते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।